नमस्कार, बुलेटिन की शुरुआत एक दुखद खबर के साथ करेंगे। बीजेपी के नेता सुशील मोदी का निधन हो गया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम थे वो और लंबे वक्त से बीमार भी चल रहे थे। सुशील मोदी कैंसर से पीड़ित बताए जा रहे थे। दिल्ली एम्स में काफ़ी दिनों से उनका इलाज चल रहा था और वो वहां पर एडमिट भी थे और अचानक से ही ये दुखद खबर मिली। एसएन सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। एसएन जी, ये स्तब्ध कर देने वाली खबर बीजेपी के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण परिवार के लिए, संपूर्ण भारत वर्ष के लिए एक दुखद घटना है। जिस तरह से सुशील मोदी जी जनता की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहते थे, निश्चित तौर पे जब आपके चैनल के माध्यम से इस घटना के बारे में जानकारी हुई है, सभी लोग अस्तब्ध हैं, सभी लोग दुखित हैं कि एक कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन शुरू करने वाले और समाज सेवा में अपने जीवन को खपाने वाले अब सुशील मोदी जी हमारे बीच में नहीं रहे। निश्चित तौर पे यह एक अपूर्णीय क्षति है और भारतीय जनता पार्टी सहित समस्त बिहार के लोग, समस्त देश के लोग आज शोकमग्न हो गए हैं जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूं पूरे आत्मा की शांति के लिए, परिवार की शांति के लिए, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले। काल का गाल बड़ा निष्ठुर होता है, काल का गाल इतना निष्ठुर होता है कि वो नहीं समझता है कि बिल्कुल। और कैंसर ऐसी बीमारी है कि ज्यादा वक्त नहीं देती। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।